हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नर्सिंग स्टडी हेल्प के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बताया था और आज हम हाइपर थायरॉयडिज्म के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ टी थ्री एंड टी फोर जो हार्मोन होता है उसका सबसे ज़्यादा सिक्रीशन होता है हाइपर थायरॉयडिज्म में। एंड बीएमआर इंक्रीज रहता है, क्या रहता है, बीएमआर इसमें इंक्रीज रहता है। एंड जो टीएसएच का लेवल रहता है वो क्या रहता है, डिक्रीज रहता है। और जस्ट अपोजिट हाइपोथायरॉयडिज्म में जो होता है, टीएसएच का लेवल इंक्रीज रहता है एंड टी थ्री और टी फोर का सिक्रीशन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों को कोरिलेट करते हुए चलिएगा। और पिछली वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो जाकर उसको देखिए। तो इसमें T3 और T4 का लेवल ज़्यादा रहता है और BMR भी इंक्रीज रहता है, बट TSH का लेवल इसमें कम रहता है, ठीक है। बात करें इसमें दो डिसऑर्डर मेनली हमको देखने को मिलते हैं, पहला है ग्रेव्स डिजीज एंड दूसरा है एक्सोथर्मिक गॉइटर। ग्रेव्स डिजीज जो है एक ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है, देन एक्सोथर्मिक गॉइटर भी देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। दो डिसऑर्डर मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। एंड बात करें वहीं यदि हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में मैंने बताया था क्रिएटिनिज्म एंड मिक्सेडिमा दो डिसऑर्डर उसमें भी देखने को मिलते थे, वो है क्रिएटिनिज्म एंड मिक्सेडिमा, ठीक है। देन आगे हम इसमें बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स इसमें हमारा वार्म एंड मॉइस्ट स्किन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, वार्म एंड मॉइस्ट स्किन, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में ड्राई स्किन देखने को मिलता था। नेक्स्ट इसमें है इनटॉलरेंस टू हीट, पेशेंट जो होगा इसमें इनटॉलरेंस टू हीट रहेगा, हीट को वह ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट इनटॉलरेंस टू कोल्ड था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है प्रोट्रूड आईबॉल, आईबॉल जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड रहेगा इसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इसमें एक्सेस एपेटाइट एंड थ्रस्ट, इसमें जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, लेकिन एक चीज़ इसमें होता है वो है वेट लॉस होता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा खाएगा, बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगेगा, खूब पानी पिएगा, खूब खाएगा पिएगा, लेकिन उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, इसमें वेट लॉस होता है, ठीक है। वेट लॉस होगा, प्रोट्रूड आईबॉल रहेगा, इनटॉलरेंस टू हीट रहेगा पेशेंट, वार्म एंड मॉइस्ट स्किन है। तो ये सारे सिम्टम्स किसको डिनोट करते हैं, हमारे हाइपर थायरॉयडिज्म को डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया, देन इसमें गॉइटर देखने को मिलेगा, देन इसमें ऊपर बताए हैं कि बीएमआर इंक्रीज रहता है, ठीक है। देन इसमें डायरिया भी देखने को मिल सकता है, डायरिया क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू इंक्रीज जीआई मोटिलिटी, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा बीएमआर के इंक्रीज के कारण, ठीक है। इसमें क्या है, बीएमआर जो है हमारा इंक्रीज है, तो इसके कारण क्या होगा, जीआई मोटिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और जीआई मोटिलिटी जब इंक्रीज होगा तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हमको डायरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड टैकीपनिया भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, टैकीपनिया भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, आगे तो कुछ नहीं है, यही सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, वार्म एंड मॉइस्ट स्किन, इनटॉलरेंस टू हीट, प्रोट्रूड आईबॉल, एक्सेस एपेटाइट एंड थ्रस्ट, वेट लॉस, हाइपरग्लाइसीमिया, गॉइटर, बीएमआर इंक्रीज, डायरिया, एंड नेक्स्ट इसमें है हमारा टैकीपनिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है हमारा टैकीपनिया। एंड इसमें दो हमको डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, ग्रेव्स डिजीज एंड एक्सोथर्मिक गॉइटर, ग्रेव्स डिजीज एंड एक्सोथर्मिक गॉइटर, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, T3 और T4 का सिक्रीशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, एंड BMR भी इसमें इंक्रीज रहता है, लेकिन जो TSH का लेवल होता है वो हमारा क्या रहता है, डाउन रहता है, ठीक है। थैंक यू।